स्वागत है आपका नेशन न्यूज में और मैं हूं रीता अंबरा आपके साथ। गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के कोकना के जंगल में सीआरपीएफ के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान चार नक्सलियों को मार गिराया। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि मारे गए नक्सलियों की पहचान अमरेश सिंह भोक्ता, शिवपूजन यादव, सीता भुइया और उदय पासवान के रूप में की गई है। साथ ही नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बारे में सीआरपीएफ ने 159 बटालियन के अधिकारी अवधेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोकना के जंगल में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद सीआरपीएफ 159 बटालियन, कोबरा 205 बटालियन और स्थानीय पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर चारों नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस के बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं, साथ ही अन्य नक्सलियों की तलाश में छापेमारी और सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। सूचना मिली थी हमें कि ये आज इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में चार नक्सली मारे गए हैं, जिसमें एक जोनल कमांडर है अमरेश भोक्ता और टुनटुन 30 वर्ष के। इसके बाद श्री शिव शिवपूजन यादव जी हैं जोनल कमांडर, इनके पास से भी AK-47 रिकवर हुई है। श्रीकांत भुइया हैं। आपको बता दें, गया से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने चार नक्सलियों को मार गिराया है। ये चार कुख्यात नक्सली हैं जिन्हें सीआरपीएफ के जवानों ने मार गिराया है। साथ ही नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोकना के जंगल में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और सीआरपीएफ के जवानों ने इस गुप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों को वहीं उस जंगल में मार गिराया। आपको बता दें कि साथ ही अन्य नक्सलियों की तलाश अभी भी जारी है और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में हर दिन एक नया विवाद सामने आ रहा है। ताजा मामला मंगलवार की कार्यवाही के दौरान का है, जब चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कैबिनेट में दागी विधायकों को मंत्री पद देने का आरोप लगाया। साथ ही मंत्री मुकेश सहनी का नाम लिए बगैर हारे हुए प्रत्याशियों को भी कैबिनेट में जगह देने की बात कही, जिस पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने मुक्का दिखाते हुए अपनी बात रखी, जिसके बाद देखते ही देखते विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और प्रमोद कुमार से पूरे सदन से माफी मांगने को कहा। हालांकि मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि तेजस्वी उनके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मुकेश सहनी बेचारा अति पिछड़ा वर्ग का नेता बोल रहा था, कई सबको सुनने की साहस नहीं थी। कल मैं मेरे साथ जो व्यवहार किया उसके बारे में मैंने कहा कि सदन में माफी मांगो। जब सदन की मर्यादा अनुशासन की बात और सभ्यता और संस्कृति की बात कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो इस बात को समस्या चाहिए। और विपक्ष के लगातार लगाए जा रहे इल्जामों पर मंगलवार को मंत्री राम सूरत राय के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही के बाद मीडिया कर्मियों के सामने ही तेजस्वी यादव को ललकारा और कहा कि पटना के गांधी मैदान में आकर फरिया ले। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से मंत्री राम सूरत राय पर शराबबंदी कानून का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। है कि नहीं हो तो गांधी मैदान में आके फरिया। बिल्कुल, उनको ये लगता होगा कि कौन सा व्यक्ति मुजफ्फरपुर से आ गया। वो मैंने कह दिया है कि मुजफ्फरपुर का घर मेरा है, पटना के अंदर मेरे भी लोग हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी कुटुंब है, मेरा भी खानदान है। तुमको इच्छा हो, इतना अगर घमंड हो तो गांधी मैदान में झंडा गाड़ के फरिया लो। भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि सदन में सवाल पूछने के दौरान अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर फिकवा देने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर वो सदन में सवाल पूछ रहे थे, इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें ये बात कही। तीन पूरक प्रश्न पूछने का राइट है
और ये राइट का हनन हो रहा था, तनाशाही रवैया अपनाया जा रहा था, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय के जरिए जब मेरा पूरक प्रश्न पूछने का राइट है तो मेरा राइट चाहिए। और बिहार में सरकारी स्कूलों में 437,310 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, और दूसरी तरफ बिहार के लाखों हमारे पढ़े लिखे भाई बहन बेरोजगार है और बिना शिक्षकों के स्कूल में शिक्षक। और बिहार के भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय के पास मंत्री के बर्खास्तगी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब बरामद हुई है, ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें तुरंत बर्खास्त करें। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। राम बालक जी बता ही रहे थे आपको कि ये जो औराय विधानसभा से जो अभी जीत के आए हैं रामसूरत राय जी, जो मंत्री भी हैं, और ये इनका कारोबार पहले से भी चल रहा था, ये शराब माफिया शुरू से थे, लेकिन ये अपना सत्ता का धौंस जमा कर ये बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। चुनाव के समय में ही वो गाड़ी उनके स्कूल से बरामद हुई, और जो जिसने फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे शराब का खेप उतर रहा है आप पकड़िए, लेकिन पुलिस ने उल्टे ही जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसी को बंद कर दिया। और सरायकेला खरसावां जिले में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय एक युवक ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज निजी नर्सिंग होम में किया जा रहा है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें शामिल अपराधी हैं हम लोग उसको पुलिस के पकड़ में है। जो भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो कानून में प्रावधान है वो हम लोग। गिरिडीह में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सामने नजर आई, जहां पहले 3 अपराधियों ने युवक से दिन दहाड़े 50,000 रुपए लूटने की कोशिश की और लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उल्टा पीड़ित पर ही बाइक चोरी का आरोप लगाकर सरेआम उसकी धुनाई शुरू कर दी। इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे, वहीं भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी भाग खड़े हुए। पीड़ित ने थाना में घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। धनबाद में कोयले पर वर्चस्व को लेकर मंगलवार को 2 गुटों में जमकर गोलियां चली। दरअसल बीते 1 सप्ताह से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और जेएमएम नेता कारू यादव के गुटों में कोयला लोडिंग को लेकर विवाद चल रहा है। मंगलवार को इस विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मामला शांत कराने गई पुलिस की टीम पर भी पत्थरबाजी की गई, हालांकि पुलिस ने किसी तरह हालात अपने काबू में कर लिया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस वहां कैंप कर रही है। फिलहाल इलाके में कोयला उद्योग से जुड़े सभी कार्य बंद करा दिए गए हैं। देखिए, इस संबंध में तो हम लोगों ने एफआईआर किया जाएगा और दोनों पक्ष से पहले वार्ता करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। आज जो दोनों के बीच जो झड़प हुआ है उसको देखते हुए लोकल सेल और बाकी का जो यहाँ काम होने वाला था कोलेरी में वो सारा अगले आदेश तक बंद करवा दिया गया है। मोकामा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहाँ बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए अभियान में पुलिस ने बाइक सवार 2 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों अपराधी लखीसराय जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।